जी हां, जिस तरह से आज बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए नीतीश कुमार का सुशासन शोलों की तरह दहक रहा है और जनता त्राहि त्राहि कर रही है, शहर के शहर हिंसा की तपेश में झुलस रहे हैं और सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक फौरन एक्शन नहीं ले रही है। इस बार की दुर्गा पूजा जैसे बिहार वासियों के लिए दंगा लेकर आया। आखिर भागलपुर से शुरू हुई हिंसा औरंगाबाद, समस्तीपुर, नालंदा को चपेट में ले लिया, कैसे चपेट में ले रही है और सरकार कहाँ है? जांच में कई बड़े नेताओं का नाम आ रहा है और गिरफ्तारी के बाद नेताओं के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर गलत अफवाह फैला रहे हैं ताकि लोगों को भड़का कर वोट बैंक बनाया जा सके। आखिर क्या मंशा है राजनीति दलों की? जहां भी दंगा हुई पुलिस प्रशासन निष्क्रिय दिखी, जब ज्यादा हुआ तो पुलिस प्रशासन पहुँच कर लोगों को यह दिखाने की कोशिश करती नजर आई कि हालात अब ठीक है और सोशल मीडिया पर दंगे भड़काने का आरोप लगा। पूरे शहर की इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी जाती है। क्या पुलिस इस नेताओं के गुलाम बनकर रह गई है या फिर कठपुतली? समस्तीपुर की बात की जाए तो सोमवार की शाम शरारती तत्वों ने मूर्ति विसर्जन के वक्त मूर्ति पर गलत चीजें फेंक कर लोगों को भड़काने में सफल रही। मंगलवार की सुबह पोते होती हजारों की संख्या में लोग उस जगह पहुंच गए और हंगामा करने लगे। ये लोग कौन थे आसपास के लोगों को नहीं पता। इससे साफ होता है कि सियासी रोटी सेंकने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था।